गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रॉम पेंगोंग लेक। तो जी हाँ दोस्तों, रात को हम पहुंच चुके थे पेंगोंग लेक। मेन पेंगोंग लेक पे तो नहीं है, पर उससे पीछे जो एक विलेज है मिराक विलेज, वहीं पे हमने स्टे किया। वहाँ से आगे हमारे को वाटर क्रॉसिंग लग गई थी, तो रात को हमने वहाँ से जाना उचित नहीं समझा, तो हमने यहीं पर स्टे कर लिया दोस्तों। तो पेंगोंग लेक बिल्कुल सामने ही है दोस्तों, वो देखिए, वो रही पेंगोंग लेक। तो लोकेशन दोस्तों बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्यारी है। और उस तरफ दोस्तों बोलते हैं फोर फिंगर्स, वहाँ पे थोड़ा सा दोस्तों, वहाँ से आगे आपका चाइना शुरू हो जाता है। बाकी एक बेंगलोर के भाई साहब मिले अपने बाइकर, और उनसे मिलके बहुत अच्छा लगा। वो भाई हमारे भाई, यार मैं आपका नाम भूल जाता हूँ, शरद भाई है, बहुत अच्छे इंसान है, मतलब बहुत कुछ सीखने को मिला। तो रात को तो मनाई थी दोस्तों हमने खिचड़ी, यहाँ पे ठंड भी नहीं थी, आराम से अपना सब कुछ हो गया था, सोने में भी कोई दिक्कत नहीं आई, बढ़िया नींद आई। और एक दो दोस्त जो है हमारे, जैसे राहुल भाई और रजत भाई, इनको थोड़ी सी एल्टीट्यूड सिकनेस हो गई है, थोड़ी सी सर दर्द है, इसलिए हम आज यहाँ से आराम से निकलेंगे। जाना कितना है हमें अभी, यहाँ से जाना है पेंगोंग लेक, जहाँ थ्री इडियट्स मूवी की शूटिंग हुई थी, वहीं जाना है अभी हमें। और वहाँ पे हम आपको बढ़िया पेंगोंग लेक दिखाएंगे नज़दीक से। अभी ऊपर बन रही है हमारी चाय, और चाय के साथ बिस्किट वगैरह थोड़ा सा हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट करेंगे, और उसके बाद सीधा आपको ले चलेंगे उस पॉइंट पे, और अच्छे से पेंगोंग लेक दिखाएंगे आपको। तो गाइस फिर से एक बार पेट्रोल डाल रही है बाइक में, क्योंकि काफ़ी कम हो गया था। कल हमने एक ही जैरी कैन डाला था 5 लीटर, तो उससे हम ओमलिंगला भी चले गए थे, और आपका इधर भी पहुंच गए वापस। चुशुल नहीं, मिराक पहुंचे भाई। तो बस अभी फिल कर रहे हैं, शायद पेट्रोल पंप है आपका आगे बिस्किट में, वहां तक चल पड़े। गाड़ी में थोड़ा कम है, गाड़ी के लिए ब्लैक में ले लेंगे, आगे पेंगोंग में मिल जाएगा। जय शंकर जय भगवती। तो आज की राइड हम बहुत ही लेट स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि कुछ भाई हमारे थोड़े से बीमार हैं, और आज हमें राइड करना है 10-15 किलोमीटर होंगे जो शुरू के, वो पेंगोंग के साथ। उधर पेंगोंग दिख रही है, बिल्कुल पेंगोंग के नज़दीक ले जाएंगे। तो उस तरफ को पेंगोंग लेक, पर यहाँ पर नज़दीक नहीं जा सकते दोस्तों, क्योंकि आर्मी रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। चुशुल से मिराक तक तो रोड ठीक था दोस्तों, पर जो ये मिराक से मान का रोड है ना, मान विलेज का, इसका काम अभी चल रहा है, तो थोड़ा थोड़ा ऑफ रोड है बीच में, इसलिए थोड़ा सा समय लग रहा है। पानी के बीच जाके भी अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ लेंगे दोस्तों। लास्ट ईयर भी हमने ऐसे ही किया था, उस टाइम तो हमारे पास इतने अच्छे कैमरा गियर्स वगैरह नहीं थे, और इस बार अच्छी फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ क्लिक करने वाले हैं दोस्तों। और एक सीन दोस्तों ये है कि गाड़ी में पेट्रोल थोड़ा ही रह चुका है, मेरा तो हाफ टैंक है हो गया है उस जेरिकन से जो मैंने सुबह भरा था। तो अब गाड़ी में हमें यहाँ से पेट्रोल भरवाना पड़ेगा लगभग 5-7 लीटर के आसपास, जो हम नुब्रा तक पहुँच जाए। नुब्रा में मतलब डिस्किट में हमारे को पेट्रोल पम्प मिल जाएगा, तो वहाँ तक हमारे को पेट्रोल चाहिए बस थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं डालेंगे यहाँ पे, जैसे ब्लैक में महंगा होता है ना, तो बस गुजारे लायक डालेंगे, आगे पेट्रोल पम्प पे फुल करवा लेंगे दोस्तों। यह है लद्दाखी पशु, ज़्यादा हाइट नहीं है, छोटे छोटे हैं। और ये देखिए इस बच्चू के मुंह में क्या बांधा है, जो दूध ना पिए। ठीक है सर, चले। तो अभी यहाँ से राइट टर्न है दोस्तों, और वहाँ से होते हुए हमें वहाँ जाना है नीचे पेंगोंग लेक के पास। तो वही पॉइंट है दोस्तों जहाँ पे थ्री इडियट फिल्म की शूटिंग हुई थी, तो गाड़ियाँ भी लगी है वहाँ पे, बस अपने फ्रेंड्स का वेट कर रहा हूँ, फिर यहाँ से नीचे जाते हैं। सो गाइस, पेंगोंग में आपको बहुत सारे टेंट और होम स्टे मिल जाएंगे रहने के लिए, और ये हर समय दोस्तों फुल रहते हैं, क्योंकि लद्दाख में ना बहुत रश रहता है, इसलिए आपको काफ़ी मतलब पहले से ही एडवांस में बुकिंग करवानी पड़ेगी, ऑनलाइन ही बुकिंग करवानी पड़ेगी। यहाँ पे ऐसा सिस्टम है, कुछ रेयर चांस हो गए अगर आपको पेंगोंग के साथ होम स्टे वगैरह मिल जाए कुछ, और आगे आप रह सकते हैं मान मिराक विलेज है, वहाँ पे आपको आराम से स्टे मिल जाएगा। सो फाइनली गाइस, हम उस प्लेस पे पहुंच चुके हैं जो बढ़िया व्यू पॉइंट है, जहाँ पे फोटोज़ वगैरह क्लिक करवाते हैं लोग। तो पीछे आपने जो वो देखे स्कूटर वगैरह, तो वहाँ पे
मतलब एक बार स्कूटर पर फोटो खिंचाने का 50 रुपीज़ लेते हैं। तो उस टाइम तो एक ही स्कूटर होता था यहाँ पे जिस टाइम शूटिंग हुई थी। अब जैसे यहाँ पे शूटिंग हुई थी तो उस वजह से बहुत सारे स्कूटर हैं, तो मतलब एक किस्म से थोड़ी सी उस फिल्म की छाया चित्र लेने के लिए लोग इस पर फोटो खिंचवाते हैं। बाकी अभी हम आपको दिखा दें पेंगोंग लेक। सो गाइस अभी पेंगोंग लेक के साथ साथ चल रहे हैं, और ये जो पेंगोंग लेक है ना दोस्तों, ये लगभग 130 किलोमीटर लंबी है और बिगेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है पूरे वर्ल्ड की दोस्तों। इसका 35% इंडिया में है और बाकी जो है चाइना में है दोस्तों, तो ज़्यादा भाग इसका चाइना में है। हमने भर भर के फ़ोटोज़ और वीडियोज़ यहाँ पे क्लिक कर लिए दोस्तों, और बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब बहुत इतने स्ट्रगल के बाद पहुँचे ना हम यहाँ पे, कितनी ऑफ रोडिंग करके, कितना कुछ करके उमलिंगला पास जाके यहाँ पहुँचे दोस्तों में, तो अभी बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, अगर ज़िंदगी में कभी टाइम मिलता है तो एक बार ज़रूर आइए पेंगोंग लेक। और ये लद्दाख में है, और लेह शहर से दोस्तों ये लेक 150 किलोमीटर दूर है, तो आप आराम से आ सकते हैं यहाँ पे घूमने के लिए। अगर आपको शांति पसंद है, आपको शांति मिलेगी यहाँ पे, और नज़ारे तो क्या ही बोले दोस्तों, बहुत सुंदर है दोस्तों। पेंगोंग लेक आने के बहुत से रास्ते हैं, आप इस तरफ चांथांग रीजन से भी लोमा होते जिस तरफ से हम आए वहाँ से भी आ सकते हैं, और इस तरफ से भी आ सकते हैं दोस्तों आप चांगला पास से, या पहले नुब्रा वैली जा सकते हैं। 2-3 रास्तों से पहुँच सकते हैं दोस्तों यहाँ पे आप। एक बात हाँ दोस्तों, लास्ट ईयर जब मैं आया था अपने फ्रेंड मनीष के साथ, तो वो भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, और अभी मैं उसको मिस कर रहा हूँ कि लास्ट टाइम हमारी बहुत सी अच्छी यादें जुड़ी है इसके साथ। पर कोई नहीं, वो भी आ जाएगा एक दो दिन में, ले पहुँच जाएगा, हम आपको मिलाएंगे उससे नई वीडियो में। पर जब कोई नहीं था मेरे साथ तो वो आया था घूमने, जॉब करता है उस वजह से वो नहीं आ पाया, उसका बहुत मन था आने का, उसके लिए बहुत बुरा फील हो रहा है। पर कोई नहीं, वो आ जाएगा तो बढ़िया उसके साथ भी घूमेंगे। तो दोस्तों हम पहुँचे थे लगभग 10 बजे यहाँ पे, और हमें यहाँ पे टाइम हो गया लगभग 12 बज गए, 2 घंटे हो चुके हैं हमें यहाँ पे, मतलब टाइम का पता ही नहीं लगा। बाकी दोस्तों होप करता हूँ मैंने आपको सही जानकारी दी होगी इस जगह के बारे में, अच्छे से आपको पता लगा होगा, आपको जगह पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम आपसे मिलेंगे दोस्तों इसी प्रकार की एक इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।